इस बारे में ऐसा है, कल ही रमज़ान ईद का माहौल था। कल रात में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी 11 तारीख को कि एक ट्रक, उसमें कुछ गोवंश जाति के जानवर उसमें है। बस उस इन्फॉर्मेशन को वर्कआउट करते हुए हमने उसको ट्रैप लगाकर हल्दीराम फैक्ट्री के सामने वाला जो रोड है, भारत पेट्रोलियम के सामने, वहाँ पे हमने ट्रैप लगा के हम बैठे थे। तो करीबन सुबह 4 बजे के करीब वो ट्रक जैसे आया तो उसको बैरिकेड लगा के और उसका थोड़ा सा ट्रैफिक जाम करके उसको पकड़ाया। तो उस बीच में हमें वो जो ट्रक है जिसका हमें संशय था, उस ट्रक को हमने ताबे में लेके उसकी जानकारी ले ली। तो उसमें करीबन 24 गोवंश जाति के जानवर थे। तो उन 24 जानवर को हमने रेस्क्यू किया। कुछ दो तीन जानवर ऐसे थे कि उनको थोड़ा सा इंजरी भी था, तो उस तरीके से उनको रेस्क्यू करके गौशाला में उनको हमने भेज दिया। और जो ये ट्रांसपोर्ट और ये जो करने वाले जो गुनहगार थे उनको हमने अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। तो कैसे वो पूरा मामला हमने दर्ज करके कोर्ट में हमने प्रोड्यूस कर दिया। इसमें करीबन 3 आरोपी थे और तीनों आरोपी बाहर के रहने वाले हैं। और इसमें करीबन ट्रक और पूरा मुद्देमाल पकड़ के 23,60,000 का मुद्देमाल पूरा हमने बरामद किया हुआ है।